ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਵੀ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੁੰਡਾਰਾ ਗੁੰਡਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੜੋ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜੀ ਬੁਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਗਲੀ ਸੇ ਤੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਕੱਢਾ ਜਾਏ ਪਰਸੋਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਏ ਆ ਚਾਰ ਬਾਰੋਂ ਅਨਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜਨਾਨੀ ਗੰਦ ਬੋਲਦੀ ਇੰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਵਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਵੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸਫਾਰਿਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਲਾ ਕੇ ਐਲੋਫੇਅਰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਮੰਗ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ पड़ोस में एक लेडी रहती है जिसकी वजह से सारा मोहल्ला बहुत परेशान है सुबह शाम गालियाँ निकालती है बिना मतलब से सुबह रिकॉर्डिंग ऑन करके उसका वीडियो अपनी ऑडियो ऑन करके बैठ जाती है स्पीकर लगा के सुबह 10 बजे से इसके सुबह 8-9 बजे से शुरू हो जाते हैं सारा दिन स्पीकर चलते हैं शाम रात को 10-11 बजे तक ना बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना बच्चे फ्रीली बाहर मूव कर सकते हैं हाथ में डंडा लेके बच्चों के पीछे पड़ जाती है गालियाँ निकालती है हमारे बच्चों पर बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है कब से गुंडागर्दी चल रही है देखिए 10 साल हो गए हमें तो इसको देखते रोज़ किसी ना किसी से उसने लड़ाई करनी करनी है और कोई हमारी सुनवाई नहीं है काफ़ी जगह इतनी सारी हमारे पास ये कंप्लेंट्स पड़ी हैं लेकिन कोई सोल्यूशन आज तक हमें नहीं मिला इसका तो हम चाहते हैं कि सारे मोहल्ले को जस्टिस मिले इसको यहाँ से या तो निकलवाओ नहीं तो इसके अगेंस्ट कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाए सो दैट कि सबको थोड़ा रिलीफ मिल सके हम तो फ्रीली मूव ही नहीं कोई कर सकता गली में बहुत परेशान है हम मेरा नाम विपिन कुमार है जी भाई हिम्मत सिंह नगर रहने 6 नंबर गली दे विच साडे मोहल्ले दे विच इक औरत हैगी है प्रीति पत्नी राजविंदर सिंह उन्हें सारे मोहल्ले नूं इन्ना परेशान किया होया है एक तो किसी बच्चे नूं लंघन नहीं दिंदी सारे मोहल्ले च गालां कढ़दी है तो जे असीं कोई कोई एक्शन लैंदे आ पुलिस नूं बुलाने आ तो साडी पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं हुंदी असीं कोर्ट उधर अपने डीसी साहब दे भी पेश होके आए हाँ उत्थों भी उन्होंने मार करके आत्मनगर पहला भेजी पर इत्थे आके फिर उह ठप्प हो गई असीं जिन्नी वारी पिछले 10 सालां च कंप्लेंट दित्ती है सारे मोहल्ले ने सारे मोहल्ले दे नाल लड़ाई होई हुई है हर एक की कंप्लेंट उत्थे गई हुई है जिन्नी वारी लड़ाई हुई है उस तो बाद कोई ना कोई इन्हां दी सहमति अपने वालों करा दिंदे आ कोई प्रेशर पवा के उत्तों पुलिस तों लेकिन उहदे कोई नतीजा नहीं निकलता असी सारे मोहल्ले वाले यही मंग करते हैं भी इन्हां नूं इत्थों बाहर किया जाए क्योंकि असी सारे तो इत्थों जा नहीं सकते असी सारे परेशान होने हो नहीं सकता ये सारे असी बेच दिए उन्हां दे घर वाला वीडियो है जी राजविंदर सरदार राजविंदर सिंह वो कोई कंट्रोल नहीं करते जी और सगो अप्रोच लगा देंगे जो भी कोई प्रॉब्लम आती है असं काउंसलर को जाइए पुलिस को जाइए कित भी जाइए वो पिछले कोई ना कोई फोन करा देंगे उन्हें साड़ी परेशानी सगो होर बढ़ जाती है सर साडा जिहड़ा सिस्टम है वो इन्ना ज़्यादा तुसीं नूं करप्ट कह सकते हो या कुछ भी कह सकते हो भी वो सारे का सारा सिस्टम चलता है फोन पर या कि तो उत्तों कोई एम एल ए का किसी का फोन आ जाता हुण मैं ना नहीं लवांगा जिन्ने एम एल ए कोई किसी की किसी ना कोई अप्रोच हुंदी है जो फोन आता उत्थे ही सारा मामला ठप्प हो जाता असीं हुण दुखी हो गए हैं हुण असीं कंप्लेंट करिए किन्नू हुण असीं डायरैक्ट दिल्ली का कंप्लेंट कर नहीं सकते इस करके असीं सारे परेशान हैं असीं इंसाफ मंगते हैं कि इन्हां नूं जो ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕੀਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਆਵਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨਿਊਜ਼ DNN ਬਾਈ ਕਲਿਕਿੰਗ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਡੋਨਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ